जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री महावीराय नमः जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वें अध्याय में आश्रव तत्व नाम का अधिकार समझ रहे थे और उसमें देख रहे थे कौन कौन से कारणों के आश्रव से तीर्थंकर प्रगति का हमें आश्रव होता है। तो कौन कौन से कारण की भावना हम भाते हैं, क्या हम चिंतन करते हैं, कैसी हमारी भक्ति होती है, कैसा हमारा विनय होता है, कैसे हम व्रतों का पालन करते हैं जिससे हमें तीर्थंकर प्रगति का आश्रय होता है। कल हम सब लोगों ने देखा था 14वें नंबर की भावना आवश्यक अपरिहानी, कि जो आवश्यक है जिसमें हमारा पाप में वशीभूत न होकर के पुण्य में के वशीभूत हों, अर्थात अच्छे कार्यों में, अच्छे श्रेष्ठ कार्यों में, सम्यक कार्यों के वशीभूत होकर के हम आवश्यक कर्तव्य का पालन करें, उनका परिहार न करें। इससे भी, इस लगन से, इस निष्ठा से भी तीर्थंकर प्रगति का आश्रय होता है। कल आवश्यक कर्तव्य में हमने कल सामायिक देखा था कि सामायिक किसे कहते हैं, सामायिक में क्या करना चाहिए, सामायिक का क्या स्वरूप है। हम सामायिक में जितने समय की हम सामायिक लेते हैं, जैसे कि 48 मिनट की जो है ये जघन्य सामायिक है, और फिर उत्कृष्ट जो 6 घड़ी की उत्कृष्ट सामायिक है, उतने काल तक समस्त साबद्ध पापों का त्याग करके और मन में किसी प्रकार का विकार ना लाते हुए, जीवन मरण आदि सभी चीज़ों में समता भाव लाते हुए ऐसा भाव रखना सामायिक कहलाता है। आत्मा का ध्यान करना, एकाग्र होना, राग द्वेष का परिणाम नहीं लाना, बुद्धिपूर्वक अपने को समता रूप परिणाम में लाना, इस प्रकार की ये सामायिक कहलाती है। यह सामायिक में हम अपने कर्मों की निजरा करते हैं और आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, ज्ञाता दृष्टा का परिणाम ला सकते हैं। इस प्रकार की यह सामायिक होती है। पहला आवश्यक कर्तव्य। दूसरा था चतुर्विंशति स्तव। मुनिराज के आवश्यक में दूसरा आवश्यक है चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति मतलब 24 भगवान की स्तुति करना। आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत तक प्रतिदिन 24 भगवान की स्तुति करना। 24 भगवान की स्तुति, यदि आप सुप्रभात स्त्रोत पढ़ते हैं तो उसमें भी 24 भगवान की स्तुति हो जाती है। आप लघु स्वयंभू स्त्रोत पढ़ते हैं तो उसमें भी 24 तीर्थंकर की स्तुति हो जाती है। और यदि आप सुबह शाम जो प्रतिक्रमण करते हैं तो उस प्रतिक्रमण में भी चतुर्विंशति भक्ति आती है, तो उसमें भी आप चतुर्विंशति भक्ति में 24 भगवान की स्तुति कर लेते हैं। कुंदकुंद आचार्य का चतुर्विंशति स्त्रोत है तो थो सामी हम जनवरी वाला, उसमें भी हम उसको पढ़ते हैं तो 24 भगवान की स्तुति हो जाती है। और भी बृहत स्वंभू स्त्रोत, आचार्य समन्त स्वामी का बृहत स्वंभू स्त्रोत है। वही आचार्य जिन्होंने भगवान की स्तुति की थी तो असह चमत्कार प्रकट हुआ था बनारस में, ऐसे समन्त भस स्वामी के द्वारा रचित बृहत स्वंभू स्त्रोत को हम पढ़ते हैं तो वो भी चतुर्विंशति स्तव हो जाता है। देखिए, नाम स्तव, गुण स्तव और अर्थ से भाव से स्तव करना, ये अलग अलग हैं। नाम स्तव क्या कहलाता है? मां 24 तीर्थंकरों के नाम लेना मात्र,
जो सब अजत संभव अभिनंदन सुमति आदि इस प्रकार से आपने बोल लिया और उनको नमस्कार कर लिया कि आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत सबको मेरा नमस्कार है, ये नाम स्तव हो गया। नाम लेकर के उनका उच्चारण करना, आदिनाथ भगवान की जय, ऋषभनाथ भगवान की जय, अजितनाथ भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय, ऐसा नाम नाम लेना और नाम लेकर के या उनके 1008 नाम लेकर के उनको स्तव करना, तो ये क्या है, नाम कीर्तन है, ये नाम स्तव है। फिर इसके बाद आता है गुण कीर्तन। गुण कीर्तन क्या है, उनके गुणों का कीर्तन करना। आदिनाथ कैसे हैं, तो आदिनाथ के बारे में आप युग प्रवर्तक हैं, आप धर्म प्रवर्तक हैं, आप सृष्टि के कर्ता हैं, अर्थात सृष्टि को किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से उसका परिवर्तन होता है, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से उनके जो जो कार्य हैं अथवा उनके गुण जो हैं, आप ज्ञाता हैं, आप ज्ञानी हैं, आप सुख के सागर हैं, आप महाशक्तिशाली हैं, आप अपने स्वभाव में स्थिर हैं, शुद्ध उपयोगी हैं, इस प्रकार से उनके अनंत गुण होते हैं और उनके अनंत गुणों के बारे में वर्णन करना, आदिनाथ के अलग, महावीर स्वामी के अलग, इस प्रकार से आप सुंदर हैं, आपकी छवि वीतरागी है, आप दिगंबर हैं, आप निरामय हैं, आप निर्द्वंद हैं, आप निरकषाय हैं, आप निर्लोभी हैं, निर्मोही हैं, इस प्रकार से जो जो उन परमात्मा के अंदर गुण हैं उन गुणों का स्तवन करना और उन गुणों को स्तवन करके हम भगवान का स्मरण करते हैं, ये सब जो है गुणानुकीर्तन कहलाता है। गुणानुकीर्तन है ये। और इसके बाद हम उनका स्तव जो है उनके पादमूलों की चरणों की वंदना करें। आदिनाथ 24 ही है मान लो यहाँ पर, तो आदिनाथ भगवान के चरणों का प्रक्षालन या मस्तक का प्रक्षालन उनके लिए अर्घ समर्पित करें। फिर अजितनाथ, संभवनाथ, ऐसे 24 तीर्थंकरों के अभिषेक पूर्वक और उनका अर्घ पूर्वक पाद प्रक्षालन करते आदि करते हुए, नमस्कार करते हुए, वंदना करते हुए, इस प्रकार से 24 तीर्थंकरों की 24 में वंदना करना, ये जो है पद वंदना है। ये पद वंदना है प्रत्येक तीर्थंकर की अलग अलग प्रकार से, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल आदि सामग्री को समर्पित करते हुए, सामग्री को चढ़ाते हुए, हम जैसे कि सोना गिर गए, सब टोक के दर्शन करने गए, संबेश गिर गए तो हर टोक के दर्शन करने गए, वहाँ पर अपन ने उनको अर्घ भी समर्पित किया, फल समर्पित किया, पुष्प समर्पित किया, नमस्कार किया, ये भी क्या है, ये पद वंदना है। तो इस प्रकार से ये पूजा स्तव है। हम नाम स्तव करें, गुणानुकीर्तन करें, पद वंदना करें, पूजा करें, ये सभी 24 तीर्थंकरों का आराध्य को लक्ष्य लग करके करते हैं तो यह है चतुर्विंशति स्तव होता है। अपने अपने योग मुनिराज तो वैसे पूजा नहीं करेंगे तो गुणानुकीर्तन करेंगे, नाम स्तव करेंगे, तो इस प्रकार के उनके गुणों का कीर्तन करेंगे, आप उनको भगवान की पूजा पाठ भी आदि कर सकते हैं। ये चतुर्विंश स्तव दूसरा नंबर का आवश्यक है जो मुनिराज प्रतिदिन करते ही करते हैं। नमोस्तु चरश्री, अभी आपने 24 तीर्थंकर भगवान के बारे में बताया, तो हमें 24 तीर्थंकर भगवान की भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति कैसे करनी चाहिए? द्रव्य स्तुति जिसमें हमारा द्रव्य का अवलंबन होता है, हमारा शरीर अपने आप में द्रव्य है, अथवा जो पवित्र सामग्री है, जैसे मुनिराज के पास पिच्छी है तो पिच्छी को घुमाते हुए, अंजलि बनाते हुए और भाल स्थल में ले जाकर के नमस्कार करना, ये द्रव्य नमस्कार है, द्रव्य पूजा है। भगवान की 3 परिक्रमा लगाना शरीर के माध्यम से, 3 बार उठ कर के, बैठ कर के नमोस्तु करना, नमस्कार करना, ये द्रव्य नमस्कार है। शरीर के माध्यम से जो भी क्रिया और जो भी प्रवृत्ति होती है वो द्रव्य नमस्कार कहलाता है, द्रव्य स्तुति कहलाती है, द्रव्य कीर्तन कहलाता है। और भाव जो स्तुति है, आत्मा का परिणाम उनके गुणों के साथ जो जुड़ता है, आत्मा 24 तीर्थंकर के प्रति जो आस्था रखती है, श्रद्धा रखती है, विश्वास रखती है, भाव से नमस्कार, आत्मा से नमस्कार उनको गुणों को देख करके,
और उनके रूप को देख करके, इनका नाम बोल करके, भाव से, अंदर से, परिणामों से जो हमारा नमस्कार होता है या वंदना होती है, वो इस प्रकार से भाव स्तुति कहलाती है। तो द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति, समझ में आ गया, जो शरीर के साथ जो अभिव्यक्ति हो रही है ये द्रव्य स्तुति है। श्रावक के लिए द्रव्य स्तुति शरीर के साथ साथ जो अष्ट द्रव आदि है, उत्तम उत्तम प्राशुक द्रव्य हैं, उन द्रव्यों को चढ़ाना, उन द्रव्यों को समर्पित करना, अर्घ समर्पित करना, इसके माध्यम से जो नमस्कार है या पूजा पाठ है वो द्रव्य स्तुति है। और उनके गुणों का कीर्तन जो भाव से होता है, स्तव होता है, वो उनका भाव नमस्कार है, भाव पूजा है, भाव स्तुति है। श्रावक जो है द्रव्य के साथ साथ, भाव के साथ साथ द्रव्य के साथ भी भगवान का स्तव करता है। और मुनिराज जो हैं वो भाव स्तव मुख है उनका, और द्रव्य में उनका अपना जो शरीर है, ये उनकी जो पिच्छी है, इसके माध्यम से भगवान को नमोस्तु नमस्कार आदि करना, स्तव करना, ये सभी उनकी द्रव्य नमस्कार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्रव्य स्थिति और भाव स्थिति 24 तीर्थंकर भगवान की हुई। अब देखिए, अपन ने सामायिक आवश्यक देखा, चतुर्विंशति स्तव देखा, अब तीसरा नाम का जो आवश्यक है वो है वंदना। वंदना नाम का जो स्तव है, आचरण कहते हैं अर्हत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु स्वगुरु परगुरु आदि, इनकी वंदना करना, इनको नमस्कार आदि करना, इनका गुण कीर्तन करना, अथवा किसी भी एक तीर्थंकर का, आप एक तीर्थंकर को लक्ष्य लेकर के आप स्तव करते हैं, स्तुति करते हैं, जैसे भक्तांबर स्त्रोत है, इसमें मात्र आदिनाथ भगवान की वंदना है, तो आदिनाथ भगवान को लक्ष्य लेकर के उनका गुणानुराग करना, गुण कीर्तन करना, अथवा जैसे महावीर अष्टक है, तो महावीर अष्टक में किसका है, सिर्फ महावीर भगवान का स्तव है। तो इसी प्रकार से आप देखते जाइए, शांति भक्ति है तो उसमें शांतिनाथ भगवान के बारे में वर्णन है और उनका स्तव है। तो इस प्रकार से अपन एक तीर्थंकरों के बारे में जो स्तुति करते हैं, एक गुरु के बारे में जो स्तुति करते हैं, या एक जैसे सिद्ध भगवान हैं, तो एक सिद्ध भगवान को अपन ने ले लिया तो उनकी स्तुति करना, जैसे आकृतिम चैत्यालयों में सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, तो उनकी प्रतिमाओं का हम क्या करें, वर्णन करें, कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं, उनकी क्या छवि है, क्या उनका स्वरूप है, उनको देखते ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, अनुपम हैं आप, अद्वितीय हैं आप, अविचल हैं आप, अकंप हैं आप, अशरीरी हैं, इस प्रकार से शुद्ध शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हैं, ऐसे सिद्ध भगवानों की आप वर्णन करें। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, ये क्या है, ये सिद्ध भगवान की स्तुति है। हमको इतनी भक्ति आ रही है कि हे प्रभु आप कैसे हैं, आप ज्ञान शरीर ही आपका शरीर है, ऐसे सिद्ध परमात्मा, आप सिद्ध चक्र विधान करते हैं, तो क्या हुआ, सिद्ध भगवान की स्तुति है, वंदना है, आप वंदना कर रहे हैं, सिद्ध भगवान की वंदना कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अर्हत विधान कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये अर्हत विधान है, तीर्थंकर का विधान है, इस प्रकार से ये वंदना है। तो उनका तपस्वियों का, श्रुत का, गुणों का, अर्हत आचार उपाध्याय साधु का, स्वगुरु परगुरु का, इस प्रकार से कृति कर्म पूर्वक, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, वंदना में कृति कर्म जरूर लेना है। कृति कर्म का मतलब क्या होता है, जैसे सिद्ध भगवान के पास गए, सिद्ध भक्ति पढ़ी और कायस्थ किया, श्रुत देवता के पास नमस्कार किया और कायस्थ किया, फिर नमस्कार भी किया, जो तीन आवर्त करते हुए, श्रोन्नति करते हुए और नमस्कार करना, ये कृतिकर्म है। ऐसे कृतिकर्म आचार्य के पास, उपाध्याय के पास, साधु के पास, सिद्ध परमात्मा के पास वंदना तो करना है, पर वंदना में कृतिकर्म जरूर है। तीन आवर्त, एक श्रोन्नति और एक बार प्रणाम, ये इस प्रकार से करने का नाम वंदना है, ठीक है ना। तो
कहीं कहीं आचार्यों ने कहा है कि कृति कर्म पूर्वक भी कर सकते हैं, और कहीं कहा है कि कृति कर्म के बिना भी आप एक साधु आचार उपाध्याय अरहंत आदि की वंदना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन नागम प्रतिमा तपस्वी आदियों की आप वंदना करें। आचार्य श्री नमोस्तु, जो षट आवश्यक मुनियों के बताए हैं उसमें जो श्रावक लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? मुनिराज की जो वंदना आवश्यक है और श्रावक गण या मुनि गण भी तीर्थों की वंदना करने जाते हैं, भगवती आराधना में कहा है भगवान के पंच कल्याणक जहाँ जहाँ हुए हैं उसकी वंदना का फल भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अतः तीर्थों की वंदना करने अवश्य हमें जाना चाहिए, विशेष भक्ति प्रकट होती है और विशेष पुण्य की प्राप्ति भी होती है, विशेष कर्मों की निजरा भी होती है। अब देखिए मुनि का जो आवश्यक वंदना है तो अब वो रोज़ रोज़ तो वंदना करने जा नहीं पाएंगे, और जंगलों में रहेंगे तो उनको कहाँ भगवान की प्रतिमा मिलेगी और कहाँ तीर्थ मिलेंगे। उनको जहाँ भी हैं वही उनका मंदिर है, मन का पवित्र होना ही मंदिर है, मन का स्थिर हो जाना ही मंदिर है, तो उनके लिए जंगल भी मंदिर ही बन जाता है। वो वहाँ से ही अरहंत आचार उपाध्याय साधु जिन धर्म आदि की वंदना करें, कृति कर्म करें, कायस्थ करें। जैसे मान लो अभी हमारे पास सामने आचार्य नहीं हैं, गुरुदेव नहीं हैं, तो हमें गुरुदेव की वंदना करना है, तो हमने आचार भक्ति पढ़ी गुरुवा पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीर मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छाएं भन्ते आरी भक्ति आदि आदि ये हमने पढ़ी और कायस्थ किया और नमस्कार किया, ये हमारी आचार की वंदना हो गई। हमारे पास शास्त्र सामने नहीं है पर हमने चारों शास्त्रों की शुद्ध भक्ति करी और शुद्ध भक्ति की और कायस्थ किया कृति कर्म किया तो ये हमारी शुद्ध भक्ति की वंदना हो गई। तो जरूरी नहीं है हमारे पास सामने अरहंत सिद्ध आचार आदि हों, हम उनके बिना भी कृति कर्म पूर्वक वंदना कर लेते हैं, ये मुनिराजों की वंदना है। लेकिन श्रावक जो है प्रतिदिन जिनालय में जाकर के वंदना करता है, प्रतिदिन जिनालय में जाता है और कभी कभी पंच कल्याणक जो स्थल आदि हैं उनकी तीर्थ वंदना करने भी जाता है, वहाँ पर वह सामग्री पूर्वक और नमस्कार पूर्वक कायोत्सर्ग पूर्वक भगवान की वंदना करता है, तो वो भी इसकी वंदना ही है। पर उसके लिए आचार उपाध्याय साधु होते ही होते हैं। अब वो घर में भी यदि भगवान के बिना भी नमस्कार आदि करे तो वो उसकी वो भक्ति है, वह इसकी स्तुति है। तो वंदना में अरहंत आचार उपाध्याय साधु समक्ष हों श्रावक के, मुनिराज के लिए वो भाव से ही वंदना की जा सकती है, यही दोनों में अंतर रखना। कभी कभी मुनिराज भी लोग भी तीर्थ वंदना को जाते हैं तो वो उनका द्रव वंदना सहित भाव वंदना हो जाती है, तो इस प्रकार का इसमें अंतर ऐसा समझना। यह आवश्यक करने से हमें लगता है कि हम कितने अंदर से भक्तिवान हैं। अत्यंत भक्ति जब होती है तब आप लोग घर का मोह छोड़ते हैं, मंदिर आते हैं, और अत्यंत भक्ति होती है तो आप अपना नगर छोड़कर के दूसरे नगर में या दूसरे देश में जाकर के तीर्थ वंदना करने जाते हैं। सचमुच में बहुत ये भक्ति का परिणाम है और अश्य पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है, अतः हमें वंदना जरूर करना चाहिए। स्तुति और वंदना करने मात्र से हमारे असंख्यात कर्मों की निजरा हो जाती है। हम एक बार जयकारा लगाते हैं तो उसमें कितने कर्मों की निजरा हो जाती है जब भक्ति से करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं। जय हो प्रभु, जय 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 जय, ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे भावों से जब हम करते हैं तो कितने कर्मों की निजरा होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह यहाँ पर अपन देखा, अपन ने सामायिक आवश्यक कर्तव्य चतुर्विंशति स्तव और वंदना, इस प्रकार से तीन अपन ने आवश्यक देखे। चौथा आवश्यक है यह प्रतिक्रमण, लौट आना। अपन के द्वारा मन वचन काय से जो भी अपराध हो जाते हैं, कृत कारित अनुमोदना द्वारा जो भी अपराध हो जाते हैं, तो पापों की और अपराधों की निंदा करना, ग्रह करना,
आलोचना करना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी हुए जो पाप अपराध हैं उन दोषों को दूर करना, शुभ प्रवृत्ति करना, पश्चाताप करना, प्राश्चित लेना, ये सब जो है प्रतिक्रमण के अंतर्गत आता है। इस प्रतिक्रमण के अंतर से हमारा आत्मा का शोधन होता है, दोष अपराध दूर होते हैं, जो विकल्प हैं वो विकल्प ही नाश को प्राप्त होते हैं। अतः हमें निंदा ग्रह पूर्वक मन वचन काय से अपनी आत्मा का शोधन करना चाहिए। वह शोधन सुबह का प्रतिक्रमण, शाम का प्रतिक्रमण, आहार के आने के बाद का प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, मासिक प्रतिक्रमण, चतुर्मासिक प्रतिक्रमण और वार्षिक प्रतिक्रमण। इस प्रकार से एक छन्ना नहीं पानी छानने का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छन्ने दिए हैं आत्मा को शोधन करने का। पानी छानने का तो आपका एक छन्ना होगा, लेकिन आत्मा का शोधन करने के लिए आचार्यों ने कितने सारे छन्ने लगा दिए। तो इससे बच गए तो इसमें, फिर इसमें बच गए तो इसमें, इस प्रकार से एक दिन के प्रतिक्रमण में बच गए तो आपको फिर बोले पाक्षिक प्रतिक्रमण जरूर करना है। पाक्षिक प्रतिक्रमण हो गया तो चातुर्मास प्रतिक्रमण जरूर करना है, फिर वार्षिक प्रतिक्रमण जरूर करना है और प्रति समय का एरिया पथ प्रतिक्रमण जरूर करना है। इस प्रकार मुनिराज का आत्मशोधन का जो स्थान है वह प्रतिक्रमण है, ऐसा प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। अब देखिए निंदा किसे कहते हैं, आत्मा की साक्षी मतलब आत्म साक्षी पूर्वक अपने दोषों को प्रकट करना, ये निंदा है। कोई भी दोष हुए तो अपनी आत्मा की साक्षी के है अपने आप को आत्मा को संबोधन करना है कि हे आत्मन तूने ऐसे क्या किया, ऐसा गलत अपराध किया, तो अपने आत्मा की साक्षी पूर्वक और कोई साक्षी नहीं है उसमें अपने दोषों को प्रकट करना, ये मेरा अपराध है, ये मेरा पाप है, ये मुझसे हुआ, ये अच्छा नहीं, उसकी आलोचना करना, स्वयं आलोचना करना। और फिर ग्रह में अपने गुरु अपने आचार्य आदि के पास जाकर के अपने पाप अपराध को बताना, ये भी उनका ये जो अपने दोषों को निवारण करना ये ग्रह है। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी जो पाप और अपराध हुए हों, तो द्रव्य संबंधी क्या, जैसे आहार आदि है, आहार लेते समय कोई अपन से गलती हुई हो और शुद्ध अशुद्ध का ध्यान न रखा हो, तो इस प्रकार से आहार आदि संबंधी जो भी दोष लगते हैं वो द्रव्य संबंधी जो है दोष हैं। क्षेत्र संबंधी जो गमनागमन है, शयन का स्थान है, बैठने का स्थान है, आसन है, गमन है आदि संबंधी मार्ग में किसी प्रकार का पाप अपराध हुआ हो तो क्षेत्र संबंधी जो है हमारे द्वारा हुआ अपराध है, उसका हमें निवारण करना और शोधन करना। काल में क्या है, पूर्वाह्न में हुआ है, मध्याह्न में हुआ है, अपराह्न में हुआ है, दिवस में हुआ है, पक्ष में हुआ है, मासिक रूप हुआ है, वार्षिक रूप हुआ है, इस प्रकार से प्रतिक्रमण मुनिराज पौराणिक में भी प्राश्चित करते हैं, अपराह्निक भी करते हैं, मध्याह्न में भी करते हैं और इस प्रकार से उसका क्या लेते हैं, प्राश्चित लेते हैं। प्रतिक्रमण जब करते हैं पौराणिक अपराह्निक माध्यान्हिक और पाक्षिक तो गुरुओं से उसका प्राश्चित लेते हैं, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण का भी प्राश्चित आता है और संवत्सर वार्षिक प्रतिक्रमण का भी प्राश्चित आता है। तो इस प्रकार से काल संबंधी वर्तमान काल में हुआ है, भूतकाल में हुआ था, भविष्य काल की भी पापों की आलोचना करना ऐसा ना हो, तो इस प्रकार से यह जो है काल संबंधी होने वाले पापों का प्रतिक्रमण करना। और फिर दिया है भाव, भाव मतलब मन के परिणाम रूप जो भाव हैं, मन में किसी प्रकार के विचार आ रहे हैं, अशुभ परिणाम आ रहे हैं और गलत विचार आ रहे हैं, बुरे बुरे विचार जो आ रहे हैं उनका भी दूर करना, उनको प्रतिक्रमण करना। पाप मन में पाप उत्पन्न होता है और शरीर से अपराध उत्पन्न होता है, तो ये पाप और अपराध दोनों का भाव में तो पाप हुआ और अपराध आदि जो हुआ वो बाहर हुआ, तो इस प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी हुए अपराधों का हम निंदा करें, ग्रहा करें, आलोचना करें। आलोचना तत्काल होती है गुरु के समक्ष, अपनी आत्मा के समक्ष, प्रतिक्रमण आगे पीछे भी होता है। तो इस प्रकार से यह प्रतिक्रमण जो है मन वचन काय के शोधन का प्रतिक्रमण है, आत्मा को शुद्ध करने का तरीका है,
क्यों व्यक्ति यदि गलती स्वीकार नहीं करेगा तो कभी भी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है। तो आज अपन ने चार आवश्यक देखे, शेष जो और आवश्यक हैं दो, उनके बारे में चर्चा कल करेंगे। आज यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति को करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। मैं आरती जैन, जैसा कि आप सभी आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी द्वारा पढ़ाए जा रहे तत्वार्थ सूत्र का आनंद ले रहे हैं, आप सभी के सहयोग से निरंतर तत्वार्थ सूत्र जी की पुस्तकें छप रही हैं। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपने को जा चुकी हैं। पांचवें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी महानुभाव दान करना चाहता है, पुण्य का भागीदार बनना चाहता है, तो संपर्क करें। आरती जैन, जय जिनेन।